Assalamualaikum everyone and welcome to another vlog. So आज मैं आप लोगों को chicken puff pastry बनाना सिखाऊंगी. मुझे cooking नहीं आती है. अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे cooking आती है तो नहीं, आप लोग बहुत गलत सोच रहे हैं. मुझे baking करनी आती है but cooking शुकिंग से मुझे बिना कोई लेना देना नहीं है. मैं almost सारी चीज़ें हैं, बस puff pastry sheets नहीं है और chicken नहीं है. So हम वो दोनों चीज़ें लेंगे और जो चीज़ें लेनी है वो लेंगे. और अभी हम जा रहे हैं, हम आ गए हैं इधर और इधर काफी रश है, तो देख रहे हो मुझे. ये आ गया हमारा चिकन ब्रेस्ट पीस और ये रही हमारी पफ पेस्ट्री शीट. मैं एक शॉपिंग करके आ गई हूँ और अभी जो है किचन फ्री नहीं है. माय मॉम एंड डैड मिलके कुछ बना रहे हैं. So, वो लोग जब हम वेट करते हैं उनके, मुझे किसने कॉल किया? गॉड, लेट मी सी. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. पानी बॉईल करने के लिए रखा है, फिर इसके अंदर हम अपनी चिकन डालेंगे ताकि फिर हम इसके टूटे टूटे कर सकें. अभी इसमें हम थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे और फिर इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे. तो एक हाथ से सारा काम करना बड़ा मुश्किल है वल्ला. ये गया नमक, ठीक है. अब हम इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे. थोड़ी सी आँच हल्की कर दूँ मैं वरना ये उबल उबल के बाहर आ जाएगा. तो ये बॉयल हो गई है ऑलमोस्ट, लेकिन अभी हम इसको और बॉयल होने देंगे क्योंकि हम नहीं चाहते ये कच्ची रह जाए, ठीक है. तो इसको चेक पता है कैसे करेंगे, मैं आप लोगों को बताती हूँ. हम इसमें फोर्क डालकर चेक करेंगे, अगर स्मूथली नहीं जा रहा है तो इसको अभी टाइम चाहिए. हमें इसकी फिलिंग के लिए दो और इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये प्याज और ये. हम इसको चॉप करेंगे. बस ये तीन इंग्रेडिएंट्स चाहिए फिलिंग के लिए. बाकी आप जो है जो पफ पेस्ट्री की जो शीट्स हैं उसमें हमें इसे फिल करना है वो. लेकिन इसकी जो इसका जो मतलब हमें फिलिंग बनानी है ना वो मैं आप लोगों को अभी बताऊँगी. लेकिन पहले ये तीन चीज़ें आप लोग जो है ना रेडी करो. ये हमारी फाइनल चीज़ें, ये प्याज, ये हरी मिर्च, ये चिकन, वो ब्लैक पेपर, सॉल्ट और चिकन क्यूब, ठीक है. अब हम इसे बनाएंगे. बिस्मिल्लाह. हम ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे. इसको अच्छे से, ठीक है. अब इसको गर्म होने देते हैं. प्याज जा चुकी है इसके अंदर. अब ये जब तक कलर चेंज करेगी हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे, उसके बाद मिर्च डालेंगे. वेट करेंगे जब तक ये अपना कलर चेंज कर ले. सो अब हम इसमें मिर्च डालेंगे एंड अपनी चिकन की साथ डाल देंगे. तो ये चिकन क्यूब गया इसके अंदर और अभी हम नमक और काली मिर्च डालेंगे. इसके अंदर मैदा डालेंगे, ठीक है. ज़्यादा ही ना, एक स्पून, टेबल स्पून या एक ये वाला स्पून चलेगा यार, दौड़ेगा. अगेन इसको अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है. एक हाथ से करना बहुत मुश्किल है. एक सेकेंड रुक जाओ. थोड़ा थिक करना है सो इतना काफ़ी होगा. ये ओके, अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसको गाढ़ा होने के लिए वेट करेंगे. तो देखो आप लोग, ये थिक होना स्टार्ट हो गई और एग्जैक्ट मुझे ऐसी ही चाहिए थी. हम इसको अच्छे से मिलाएंगे और इसको भी थोड़ी सी धीमी आंच पर जो है ना रख कर छोड़ देंगे. ये हमारी पेस्ट्री की फिलिंग तैयार हो गई है. अभी इसको थोड़ा कूल होने. स्टेप क्या होगा, आपने एग वॉश जो है ना, इसको मैं थोड़ा करीब कर लेती हूँ. ये एग वॉश को लेना है, ठीक है, और इसको इस पर लगाना है अच्छे से. उसके बाद ये फिलिंग को आपने बीच में रखना है और इसको फोल्ड करना है. लेट मी शो यू. उसके बाद आपने फोर्क लेना है और इसको ऐसे एक सेकेंड सब हाँ ऐसे ही. इसके बाद इस साइड से बंद करना है, इसे ऐसे करके डन.
ठीक है, हमारी एक ये हो गई है, हम इसको अभी उठाएंगे और इसको इधर रख देंगे। तो अभी हम इसमें एग वॉश दोबारा ऊपर से लगाएंगे अच्छे से, ताकि ये ब्राउन होने के लिए शायद लगाते हैं। ठीक है, तो ये अवन में जाने लगी हैं और अवन मेरा आग भगोला हो रहा है सेम डोजर की तरह, तो ये मुझे तो डर लग रहा है। हाँ अभी ठीक है, थोड़ा और पीछे जा भाई, सही है। ओके, ट्रे भी गई अंदर, मैं इसको इससे अंदर करूँ, डर लग रहा है। हो गया, 45 मिनट्स के लिए अभी अंदर बेक होंगी। अभी इनको 15 मिनट हुए हैं तो ये यू नो फूल गई हैं, और ये नीचे वाली उनका ये हाल है अभी फिलहाल, लेकिन ऊपर वाली हो रही है, बेक हो रही है। फाइनली हो गया है, एंड देन अभी 5 मिनट के बाद मैं इन्हें बाहर निकाल लूँगी, लोगों को दिखाऊँगी कि कैसे लग रहे। आई विश मैं आप सबको खिला सकती, मैंने चाय भी अपनी बना ली है, तो हम जरा चाय को देख लेते हैं। तो फाइनली ये बन गई है, और अब मैं आप लोगों को एक तोड़ के दिखाऊंगी। ये वाली मैं बहुत गर्म है, तो मैं नहीं बहुत गर्म है, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा टाइम देती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म है, रुक जाओ गाइस। ओके देखो रेडी हो गई, कितनी क्रिस्पी है, मैं खा कर दिखाती हूँ मेरे को। वाओ डिलीशियस। सो ये क्लोजअप है फिलिंग का, यार ये बहुत टेस्टी, आई विश मैं तुम लोगों को खिला सकती हूँ, बट क्या कर सकते हैं। मैंने जब फर्स्ट टाइम ट्राई किया था तो मैंने ये वाली वीडियो देखी थी, मैं इसका लिंक वीडियो में मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग भी देख सकते हो। जो मैंने आप लोगों को बताया है तरीका, वो बहुत इजी है, इसमें ये खुद ही डो तैयार करती है। सो अगर आप लोग ऐसी जगह पर हो जहाँ पर ये अवेलेबल नहीं है पेस्ट्री शीट्स, तो आप लोग फिर इसे बना लेना खुद ही, वरना आप लोग पेस्ट्री शीट से काम गुजारा कर सकते हो। ठीक है, और दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। दोबारा बता देती हूँ, मुझे नहीं आती है कुकिंग, इज़ जस्ट मुझे जो आता है मैं बस उतना ही बना लेती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बना सकती। सो डोंट जज मी, एंड अगर आप लोग ट्राई करो तो डू टैग मी। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मेक श्योर टू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, बाई।